टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन। आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये फंक्शन भी एक्स की फॉर्म में है और इसका बेस भी एक्स की फॉर्म में है। अगर ये वाई होता ये भी वाई होता तो हमारे पास हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसको वन लिख सकते हैं। वन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट की क्या होती है? जीरो। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एम लोग एन अपने पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लोग एम टू द पावर एम। एक्सपोनेंशियल और लोग कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक्स टू दी पावर थ्री रह गया, उसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपके पास ये से टू की पावर इस तरह से इस ये क्या है लुक लाइक ए की पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का मतलब अपने पास क्या कर सकते हैं इसको, ये देखिए आपके पास यहां पर ए सेम है और यहां पर बेस सेम है। अगर आपका ए सेम है और बेस सेम है तब भी ये चीज क्या हो जाती है, ये कंप्लीटली वन मानकर चलते हैं, तो आपके पास क्या रह जाता है एक्स। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वन। नाउ व्हाट वी हैव, डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। यहां पर अपने पास क्या आ गया, फाइव मल्टीप्लाई में के अंदर है हमारे पास इसके साथ, मतलब ये मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को अलग से लिख देते हैं, बिकॉज वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स है, ई रेस्ट पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ई रेस्ट पावर एक्स ही होती है, चाहे इंटीग्रेशन कर लो डिफरेंशिएशन कर लो। फाइव तो मल्टीप्लाई में है, वो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो कोई इश्यू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या है, नाइन मल्टीप्लाई में है और ये क्या है, ए रेस्ट टू द पावर एक्स। ए की पावर, ए रेस्ट टू द पावर एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग ए। थैंक यू।